हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे जय इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर ये जो जय इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर है यह एच पी एस एस पी हमीरपुर द्वारा कंडक्ट करवाया गया था इसमें हम पोस्ट कोड 915 सौ पंद्रह इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे इसमें जितने भी नोमरिकल है इसके लिए मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बना रखी है प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे वो फाइनल आंसर के के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स पे आप उसको शेयर कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है नूमेरिकल का जिसको हमने नूमेरिकल की वीडियो में सॉल्व करा है तो इसका हम क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन पढ़ के इसके आंसर को ही डायरेक्ट देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ टू एम्पियर पास थ्रो अ सेल ऑफ़ ई एम एफ इज Volt, internal resistance of 1.5 पॉइंट फाइव बोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ जीरो पॉइंट वन फाइव ओम्स द पोटेंशियल डिफरेंट एक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इज इसमें हमने निकालनी है पी डी पोटेंशियल डिफरेंस जो पी डी का फॉर्मूला रहता है वो आपका पी डीस टू रहता है वोल्टेज माइनस आई आर ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास सब कुछ गिवन है इस फॉर्मूले को पुट करने के बाद आपका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा आंसर डी वन पॉइंट टू जीरो वोल्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट है द पावर कंज्यूम बाय अ कॉयल इज थ्री हंड्रेड वॉट वेन कनेक्टेड टू अ थर्टी बोल्ट डीसी सोर्स एंड वन हंड्रेड एट वाट व्हेन कनेक्टेड टू अ थर्टी बोल्ट ए सी सोर्स द रेज द रिएक्टेंस ऑफ कॉल इज इसमें अब रिएक्टेंस निकालना है तो जो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर है बी इसको भी हमने डिटेल में सॉल्व करा है न्यूमेरिकल वाली वीडियो में आप इसको देख सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट है विद इंक्रीज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी द डाईलैक्ट्रिक लॉस इन अ मटेरियल विल अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो मटेरियल में जो डाई इलेक्ट्रिक लॉस है वो भी उसके प्रपोर्शनली इंक्रीज होगा तो इसका आंसर रहेगा ए इंक्रीज अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर क्वेश्चन नंबर फोर है पैरल सर्किट इज सेट टू बी इन रेजोनेंस वेन द एडमिटेंस इज प्योरली पैरल सर्किट कब रेजोनेंस होगा जब एडमिटेंस प्योरली कंडक्टिव होगा तो इसका आंसर रहेगा डी कंडक्टिव और नेक्स्ट लेते हैं द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज है और थर्मल पे जो मटेरियल की थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड करता है और ये डिपेंड नहीं करता है किस पे शेप पे एंड साइज पे तो इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल्स इसका आंसर रहेगा बी तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स पाइजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट इज जनरली ऑब्जर्व इन पाइजो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जो है वो दिखाई देता है जनरली इसमें इंसुलेटर जो इंसुलेटर्स होते हैं उसमें इसका आंसर रहेगा ए नेक्स्ट है सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव लिस्ट एडिक्रेंट लॉस सबसे कम एडिक्रंट लॉस होता है कोर में जो इसका आंसर रहेगा एयर कोर अब नेक्स्ट लेते हैं अगला है न्यूमेरिकल इसमें दिया है अ सिंगल फेस ट्रांसफार्मर बेन सप्लाई फ्रॉम टू ट्वेंटी बोल्ट फिफ्टी हर्ज फ्रिक्वेंसी एंड एडी करंट लॉस ऑफ फिफ्टी वोल्ट इफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज ऑफ थ्री थर्टी बोल्ट फिफ्टी हर्ज फ्रीक्वेंसी द एडी करंट लॉस विल भी हमने इस पर निकालना है एडिक्रंट लॉस तो जो इसका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकलेगा वन ट्वेंटी पॉइंट फाइव वॉट इसको भी हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो को उसमें जो है सॉल्व करा है तो नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है नाइन द फोसर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन ड्रॉ बाई ओनली इफ वी नो हम जो इसका फेसर डायग्राम है हम ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे को ज्ञात हो इक्विलेंट सर्किट पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर ये भी और लोड करंट ये भी और लोड पावर फैक्टर ये भी तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही होगा अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आगे न्यूमेरिकल है जिसको भी हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में डिटेल में सॉल्व करा है फिर भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं इसका क्वेश्चन दिया हुआ है इफ द परसेंटेज रेजिस्टेंस of a power transformer for secondary side is 2.5% and turn ratio is one ratio ten the percentage secondary resistance refer to primary will be तो इसका जो आंसर रहेगा वो final जो आंसर की है उसके according रहेगा 2.5 b आंसर इसका सही होगा चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट है द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम एट द पावर फैक्टर ऑफ जो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी जब पावर फैक्टर रहेगा यूनिटी इसका आंसर रहेगा बी यूनिटी पावर फैक्टर और नेक्स्ट ले लेते हैं द डे एफिशिएंसी ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर विल बी हायर विद जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है इसकी ऑलरेडी एफिशिएंसी मैक्सिमम कब रहेगी जब आपका जो कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल रहेगे या दोनों लॉसेस लो रहेंगे? इसका आंसर रहेगा डी लो कॉपर लॉस एज वेल एज आयरन लॉसेस। तो नेक्स्ट लेते हैं हम नेक्स्ट है इनऑफ पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीदर इज़ प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू ब्रीदर को हम प्रोवाइड करते हैं सिर्फ जो मॉइस्चर है उसको सोखने के लिए फ्रेश एयर एंटर करने के लिए ट्रांसफार्मर भी तो इसका जो आंसर है वो है आपका बी प्रिवेंट इंक्रीज ऑफ द मॉइस्चर विद एयर जो एयर में जो मॉइस्चर है उसको बढ़ने से रोकना या उसको सोखना तो इसका आंसर रहेगा बी नेक्स्ट ले देते हैं नेक्स्ट है द मोस्ट एसेंशियली कंडीशन फॉर पैरलर ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज दैट दे शुड है सेम जो पैर ऑपरेशन है उसमें जो एसेंशली कंडीशन क्या होने चाहिए उसकी जो प्लिटी है वो सेम होनी चाहिए तभी हम पैरलर जो ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकते हैं ये सबसे ज्यादा एसेंशियली कंडीशन है नेक्स्ट लेते थे अगला जो क्वेश्चन है वो है नेक्स्ट है इन अ डीसी मोटर द बाइंडिंग लॉस इज प्रोपोर्शनल टू जो डी सी मोटर रहती है उसका जो बाइंडिंग लॉस है वो प्रोपोर्शनल रहता है स्क्र ऑफ द आर्मेचर स्पीड के जितनी आर्मेचर की स्पीड रहती है उसके स्क्र के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो इसका आंसर होगा आंसर डी स्क्र ऑफ आर्मेचर स्पीड अब लेते हैं नेक्स्ट सिक्सटीन लेमिनेटेड योक इन अ डीसी मोटर कैन रिड्यूस जो लेमिनेटेड जो बॉडी होती है वो रिड्यूस करती है डीसी मोटर में आयरन लॉस को इसका आंसर रहेगा बी आयरन लॉसेस नेक्स्ट नूमेरिकल है जिसको हमने नूमेरिकल वीडियो में सॉल्व करा है तो इसको क्वेश्चन को पढ़ के इसका जो राइट right आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन है फोर पोल डीसी जनरेटर विद सिक्सटीन कॉयल एज टू पैर लेब बाइंडिंग द पोल पिच इज इसमें हमने पोल पिच निकालनी है जो फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो है आंसर सी एट और नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट है नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल है इसमें दिया हुआ डिटरमाइन द फ्लक्स पर पोल फोर सिक्स पोल डीसी मशीन हैविंग टू फोर्टी बेब कनेक्टेड कंडक्टर विच जन जनरेट एन ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ फाइव हंड्रेड वोल्ट वील रडिंग एट आर पी एम दी है हमारे पास वन थाउजेंड आर पी एम इसमें हमने निकालना है फ्लक्स तो इसका जो फॉर्मूला है इसको इस फॉर्मूले का जिसका आंसर निकाल सकते हैं ईक्व टू जेड एन पी फ्लक्स अपॉन सिक्सटी इंटू टू इसमें हमने फ्लक्स निकालना है तो इसको पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं बाकी हमने न्यूमेरिकल और वीडियो में इसको डिटेल में सॉल्व करा है तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा जीरो पॉइंट जीरो फोर वन इसमें दे रखा है नियर बाय ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू जो फाइनल आंसर की है उसके अकॉर्डिंग इसमें ऑल ऑफ दी एक्स जो है इसका आंसर दिया है एक्स नॉन ऑफ दीज तो इसका जो आंसर है वो निकलेगा ज़ीरो पॉइंट जीरो फोर वन तो इसको नूमेरिकल वाले वीडियो में आप इसको देख सकते हैं अब नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट है अगला भी नूमेरिकल है इसमें दिया है द करंट ड्रॉ बाय 220 ट्वेंटी बोल्ट डी मोटर द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो पॉइंट फाइव ओम्स द बैक की एफ दिया आपका टू हंड्रेड बोल्ट इसमें करंट निकालना है अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आर्मेचर करंट इक्व टू बैक एफ माइनस गिवन जो वोल्टेज है अपॉन आर्मेचर रेजिस्टेंस इसको सॉल्व uh, कर इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आंसर ए फोर्टी एम्पियर्स बाकी न्यूमेरिकल वाले वीडियो में इसको भी हमने डिटेल में सॉल्व करा है अब नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट ट्वेंटी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी डिटरमाइंड बाय जो डिस मोटर की डायरेक्शन है उसके रोटेशन को हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसका आंसर है बी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये यूज होता है जनरेटर के केस में तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर बी अब नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट है वो भी एक नूमेरिकल ही है ये भी नूमेरिकल है इसको भी हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में सॉल्व करा है जो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा ए जीरो पॉइंट नाइन फोर बाकी न्यूमेरिकल वाले वीडियो में आप इसको डिटेल में देख सकते हैं नेक्स्ट है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू में दिया है द टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक ऑफ डी डीसी शंट मोटर इज़ डीसीट मोटर की जो टॉर्क करैक्ट्रिस्टिक रहेगी वो आपका ड्रॉप स्लैटली रहेगी जो डीसी uh, मोटर रहती है वो कॉन्स्टेंट स्पीड रहती है तो जो इसका आंसर रहेगा बी ड्रॉप स्ट्रेट लाइन जिसका आंसर रहेगा रहे वो है बी और ड्रॉपिंग स्ट्रेट लाइन और नेक्स्ट है ट्वेंटी थ्री फोर एफिशेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी शंट मोटर एडिशनल रेजिस्टेंस इंसर्टेड इन आर्मेचर शुड बी जो डीसी शंट मोटर होती हैं उसके ऑपरेशन के लिए जो एडिशनल रेजिस्टेंस को इंसर्ट करते हैं वो होना चाहिए कट आउट इन स्टेप में होना चाहिए इसका आंसर रहेगा बी कट आउट इन स्टेप नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी फोर द फील्ड सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूजली एक्साइटेड एट जो अल्टरनेटर का जो फील्ड सिस्टम होता है उसको एक्साइटेड करते हैं टू फिफ्टी बाय टू फिफ्टी वोट डी सी इसका आंसर रहेगा ए नेक्स्ट है ट्वेंटी फाइव द एंगल बिटवीन इंड्यूस डी एम एफ एंड टर्मिनल वोल्टेज ऑन नो लोड फॉर अ सिंगल फेज अल्टरनेटर इज तो जो इसका एंगल रहेगा वो रहेगा जीरो डिग्री इसका आंसर रहेगा सी ज़ीरो डिग्री नेक्स्ट लेते नेक्स्ट लेते हैं ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स इज द पावर सिस्टम ऑफ एन अल्टरनेटर ड्राइविन बाय कांस्टेंट स्पीड प्राइम मूवर कैन बी चेंज बाय चेंजिंग इट्स तो पावर फैक्टर को हम आ, क्या बोलते हैं इम्प्रूव कर सकते हैं किससे बाय एक्साइटेड फील्ड एक्साइटेशन से इसका आंसर रहेगा सी एक्साइटेशन। नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन और लीडिंग पावर फैक्टर लोड ऑन अल्टरनेटर अल्टर दैट द वोल्टेज रेगुलेशन शैल बी लीडिंग पावर फैक्टर के टाइम जो वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा वो रहेगा नेगेटिव इसका आंसर रहेगा बी नेक्स्ट है ट्वेंटी एट इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड फ्लगक्स जो थ्री फेज सिंक्रस मोटर होती है उसका मैग्नीट्यूड जो फील्ड फ्लक्स का मैग्नीट्यूड रहेगा ऑल लोड पे कांस्टेंट इसका आंसर रहेगा ए रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लोड्स नेक्स्ट है 29 29 इज इन अ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर द मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ स्टेप अप इन द स्टेटर डिपेंड ऑन ये डिपेंड करता है रोटर एक्साइटेशन पे इसका आंसर रहेगा ए रोटर एक्साइटेशंस नेक्स्ट है 30 थ्री सिंक्रोनस मोटर इज बाइंडली यूज फॉर जो थ्री सिंक्रोनस मोटर को हम अधिकतर यूज करते हैं इसको यूज करते हैं हम पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए तो इसका आंसर रहेगा ए पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्टी वन हिस्टेसिस मोटर द रोटर केज मस्ट है मोटर होता है उसका जो रोटर केज है वो होना चाहिए रिटेंटिविटी इसका जो रोटर होता है जो रोटर होता है उसमें होती है रिटेंटिविटी इसका आंसर रहेगा ए नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट है थर्टी टू थर्टी टू इज बट इज मटेरियल ऑफ स्लिपरिंग इन इंडक्शन मशीन जो इंडक्शन मशीन uh, होती है उसमें स्लिपरिंग में मटेरियल यूज होता है फोसर ब्रॉन्ज इसका आंसर रहेगा सी फोसर ब्रॉन्ज नेक्स्ट है न्यूमेरिकल जिसको हमने न्यूमेरिकल वाले वीडियो में सॉल्व करा है इसमें पूछा है कि द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी स्पीड ऑफ थ्री पे स्क्वाज इंडक्शन मोटर रनिंग एट अ स्लिप ऑफ फोर परसेंट एज इसमें हमने निकालनी है आर तो इसको जो सॉल्व करने पर इसका जो आर निकलती है वो निकलती है नौ सौ पचास आर पी एम इसका आंसर रहेगा सी और नेक्स्ट ले लेते हैं थर्टी फोर थर्टी फोर में दिया है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटर करंट ऑफ फिफ्टी हर्ज इंडक्शन मोटर ऑपरेटिंग एट अ टू परसेंट स्लिप हमने इसमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी जो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा स्टेटर फ्रीक्वेंसी टू स्लिप इनटू रोटर फ्रीक्वेंसी रोटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास दे रखी है टू परसेंट तो इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर निकलेगा ए जीरो पॉइंट सॉरी वन साइकिल पर सेकेंड इसको भी हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सॉल्व करा है नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है थर्टी फाइव द पावर फैक्टर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज लाइकली टू बी मैक्सिमम वेन इट्स बिल ऑपरेट एट थ्री फेज इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर मैक्सिमम रहेगा कब जब ये फुल लोड पे होगी इसका आंसर रहेगा ए मैक्सिमम एट फुल लोड और नेक्स्ट है थर्टी सिक्स द एडवांटेज ऑफ डबल स्कैरल केज इंडक्शन मोटर ओवर सिंगल सिंगल केज मोटर इसकी एडवांटेज है जो डबल केज डबल स्क्रेल केज इंडक्शन मोटर होती हैं उसके जो स्टार्टिंग करंट होता है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू सिंगल केज इंडक्शन मोटर तो इसका जो आंसर रहेगा आंसर डी स्टार्टिंग करंट इज लोअर एज कंपेयर टू सिंगल को सिंगल केज इंडक्शन मोटर नेक्स्ट ले लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है थर्टी सेवन द केपेस्टर इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज फॉर जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है उसमें कैपेस्टर को यूज़ करते हैं हम स्टार्टिंग करने के लिए उसको स्टार्टिंग में फोर्स जनरेट uh, करने के लिए जिसका आंसर रहेगा सी स्टार्टिंग द मोटर जो सिंगल फेज मोटर होती है उसमें uh, दो बाइंडिंग यूज होती है एक होती है आपकी स्टार्टिंग बाइंडिंग और दूसरी होती है रनिंग बाइंडिंग जो स्टार्टिंग बाइंडिंग के सीरीज में हम कैपेसिटर को यूज करते हैं ताकि मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क मिले और मोटर स्टार्ट हो तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी स्टार्टिंग द मोटर नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है थर्टी एट थर्टी एट में है एस सी आर कनेक्टर है जो एल्युमिनियम कोर स्टील रेन फोर्स जो ए सी एस आर कनेक्टर होता है इसमें जो है आउटर जितने भी कंडक्टर होते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं और जो इनर होता है वो स्टील का होता है एसी सी ए सी एस आर का होता है जिसका आंसर रहेगा बी आउटर कंडक्टर मेड ऑफ एल्यूमिनियम अब नेक्स्ट लेते हैं थर्टी नाइन नेक्स्ट थर्टी नाइन द सेग ऑफ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज टू पॉइंट फाइव मीटर्स वेन द स्पेन इज टू हंड्रेड फिफ्टी मीटर्स नाउ इफ हाइट of स्पोर्टिंग tower is increased by 25 फाइव परसेंट द सेग विल बी तो हम जानते हैं कि जो इसका सेग रहता है वो डिपेंड करता है किस पे पर uh, बेट पे और जो सेग का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल स्क्न अपॉन एट टी टी है टेंशन डब्ल्यू है बेट एल है इसकी लेंथ तो so, हमने इसका क्या है हाइट बढ़ा रहे हैं तो हाइट बढ़ाने पर सेग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका आंसर रहेगा डी रिमेन अनचेंज नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है फोटी हंड्रेड परसेंट स्ट्रिंग एफिशिएंसी मीन्स स्ट्रिंग एफिशिएंसी हंड्रेड परसेंट कब होगी जब जो uh, जो डिस्क होती है उसके एक्रोस और जो इंसुलेटर है उसके एक्रोस जो है जो ट्रांसमिशन लाइन में जो टावर में हम डिस्क यूज़ करते हैं जो डिस्क जो इसका जो इंसुलेटर होता है इंसुलेशन होता है इन दोनों इन सब के बीच में जब एक समान पोटेंशियल डिफरेंट होता है तो उस समय उसको हम मैक्सिमम या हंड्रेड परसेंट एफिशिय बोलेंगे तो इसका आंसर रहेगा सी इक्वल पोटेंशियल एक्रॉस ईच इंसुलेटर डिस्क जो डिस्क होती है तो इसका आंसर रहेगा सी नेक्स्ट है फोर्टी वन फोर्टी वन इज बिच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट इन सिमेट्रिकल फॉल्ट जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें जब हम सभी फेजों को अर्थ करते हैं या सभी जितने थ्री फेज होते हैं उसमें एक्स मान जीरो करंट या उसको हम कह सकते जब तीनों फेज को अर्थ हो जाए इसका आंसर रहेगा सी ऑल थ्री फेज टू अर्थ फॉल्ट जब तीनों जो फेज होते हैं वो अर्थ हो गए तो एक्स मान उसमें करंट पास होगी इसका आंसर रहेगा सी नेक्स्ट है फिफ्टी टू फोर्टी टू आई डी एम टी इनवर्स डिफाइन इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द पावर ट्रांसफार्मर अगेंस्ट ये प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड से तो इसका आंसर रहेगा डी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट है ट्वेंटी फोर्टी थ्री डीसीज मोटर आर वेरी सुइटेबल फॉर हैवी ड्यूटी ऑपरेशन एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रिकल रेलवे रोलिंग मिल्स बिकॉज ऑफ इसको डिस मोटर को हम हैवी ड्यूटी के लिए हैवी ड्यूटी जितनी एप्लीकेशन होती है उसमें यूज़ करते हैं क्योंकि इसका जो है हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका आंसर रहेगा बी हाई स्टार्टिंग टॉर्क नेक्स्ट है फोर्टी फोर और डोमेस्टिक मिक्सी यूज बिच मोटर जो डोमेस्टिक मिक्सी होती है उसमें मोटर यूज होती है यूनिवर्सल मोटर इसका आंसर रहेगा सी नेक्स्ट है फोर्टी फाइव द टेम्परेचर इन साइड फर्नेंस इज यूजली मेजर्ड बाई जो फर्नेंस होती है उसमें जो टेम्परेचर यूज होता है उसको मेजरमेंट करने के लिए हम जो मीटर यूज करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल पायरोमीटर इसका आंसर रहेगा बी ऑप्टिकल पायरोमीटर नेक्स्ट है फोर्टी सिक्स रेजुलेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज किसी भी इंस्ट्रूमेंट का रेजुलेशन होता है द मिनिम क्वान्टिटी इट कैन मेजर इसका आंसर रहेगा ए द मिनिम क्वान्टिटी इट कैन मेजर नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट फोर्टी सेवन द स्केल ऑफ एंड इलेक्ट्रो डाइनोमामीटर यूजली रीड द जो इलेक्ट्रो डायनोमोमीटर होता है उसका स्केल रीड करता है अगर हम इसके राइट right आंसर की बात करें फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्स नॉन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज नॉन ऑफ दीज इसका आंसर रहेगा तो इसका जो सही आंसर रहेगा अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर रहना चाहिए सी इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ए सी बाकी जो इसका सही आंसर है आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट है फोर्टी एट बिच डिस्प्लेसमेंट ट्रांस्यूजर यूज फॉर एक्यूरेट एंड लीनियर मेजरमेंट के लिए जो एक्यूरेट और लीनियर मेजरमेंट के लिए ट्रांस्यूजर यूज होता है वो होता आपका एल वी डी टी इसका आंसर रहेगा एल वी डी टी नेक्स्ट है फोर्टी नाइन ईयरली इफेक्ट इन बायपोलर जंक्शन ट्रांसिश्रांसजिस्टर इज कॉज बाय जो ईयरली इफेक्ट होता है वो होता किस वजह से होता है वो ड्यू टू लार्ज कोलेक्टर बेस रिवर्स वाइज में इसका आंसर रहेगा सी लार्ज कोलेक्टर बेस रिवर्स वाइज में नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है फिफ्टी टू अपेंड वेरी हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पडेंस इन और फीडबैक एम्पलीफायर द टोपोलॉजी मोस्टली यूज जो इसके लिए टोपोलॉजी यूज होती है वो होती है करंट स्रिज इसका आंसर रहेगा बी करंट स्रिच नेक्स्ट है फिफ्टी वन एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर इज एन आइडियल जो एन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर होता है वो होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स इसका आंसर रहेगा बी वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स नेक्स्ट लेते हैं फिफ्टी टू और सर्किट इज बाइज इन जब जिन डाइट को हम बोल्टे स्टेपलाइजेशन के यूज करते हैं तो इसकी जो बाइजिंग होती है रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन इसका आंसर रहेगा बी रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन नेक्स्ट लेते हैं फिफ्टी थ्री फिफ्टी थ्री दिया है द आउटपुट ऑफ आर लॉजिक गेट इज वन वेन ऑल इट्स इनपुट आर लॉजिक जीरो द गेट इज अगर आउटपुट वन है कब जब इसकी इनपुट ज़ीरो हो ये किस गेट में आता है ये आता है नोट और एक्जोर गेट में इसका आंसर रहेगा बी बाकी इसको डिटेल में देखा है हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में नेक्स्ट है फिफ्टी फोर द लॉजिक एक्सप्रेशन वाई इक्व टू ए प्लस ए बार बी तो इसका जो आंसर रहेगा वो होगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग डी ए प्लस बी नेक्स्ट है फिफ्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन इनपुट दैट इज गिवन टू दी एल सी इसमें हमने इनपुट देखना है जो पी एल सी में इनपुट नहीं देते हैं तो पहला है मैनुअल स्विच दूसरा है रिले तीसरा है सेंसर तो इसमें से कोई सा भी हम इनपुट पी एल सी को नहीं देते इसका आंसर रहेगा डी नॉन ऑफ दिज नेक्स्ट लेते हैं फिफ्टी सिक्स फिफ्टी सिक्स में एक सर्किट दे रखा है कंसर द गिवन सर्किट इन द सर्किट द रेस अराउंड जो फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर रहेगा वो है सी ओकर लेते हैं नेक्स्ट है फिफ्टी सेवन मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइन द करेक्टरिस्टिक ऑफ बीजेटी एंड मोसपेट इज कॉल्ड बीजेटी और मोस्पेट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम आईजीबीटी इसका आंसर रहेगा सी आईजीबीटी नेक्स्ट है फिफ्टी एट अ थार हैज पीक इन वर्स वोल्टेज इज सिक्स हंड्रेड फिफ्टी वोल्ट द वोल्टेज सेफ्टी फैक्टर इज टू देन द वोल्टेज अप टू बिच द डिवाइस कैन बी ऑपरेट इज गिवन बाय तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सिक्स फिफ्टी सॉरी इसका आंसर रहेगा टू थर्टी वोल्ट इसको भी हमने उसमें न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सॉल्व करा है तो नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट है फिफ्टी नाइन द ट्राई कैन नॉट कैन नॉट है कैन नॉट बी यूज इन वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ एन जिसको यूज़ नहीं करते हैं हम इंडक्टिव लोड में इसका आंसर रहेगा सी कैन नॉट यूज़ इन इंडक्टिव लोड नेक्स्ट है सिक्सटी द पावर चॉपर कन्वर्ट जो पावर चॉपर है वो कन्वर्ट करता है पल डीसी इनटू प्योर डीसी तो इसका आंसर रहेगा डी सी टू डी सी आंसर बी नेक्स्ट सिक्सटी वन बी न्यूमेरिकल है इसको भी हमने न्यूमेरिकल वाली वीडियो में सॉल्व करा है तो इसका राइट right आंसर देख लेते हैं इसमें पूछा है एन एस सी आर हैज ए हाफ साइकिल सर्ज करंट रेटिंग ऑफ थ्री थाउजेंड एम्पेयर फोर फिफ्टी हर सप्लाई वन साइकिल सर्ज करंट विल बी इसमें आपने सर्ज करंट निकालना है तो जो इसका आंसर रहेगा फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग वो रहेगा आपका सी टू वन टू वन पॉइंट थर्टी टू एम नेक्स्ट है सिक्सटी टू और सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर कैन बी ऑपरेट इन लोड कम्यूटेशन मेड इन केस ऑफ लोड कंसिस्ट ऑफ तो इसका इसका आंसर रहेगा बी आर एल सी अंडर डैम्प्ड तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं यहाँ से अब हम पार्ट टू में कर, कवर करेंगे सिक्सटी थ्री से लेकर 120 तक के सारे क्वेश्चन तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो